महासमुंद के एक गांव के पांच परिवार के लोगों को पिछले 9 सालों से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासकीय कार्यालय के ये लोग चक्कर लगाने को मजबूर हैं, पर उन्हें आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा। विडंबना देखिए, सरपंच आरक्षण के वक्त गांव का आरक्षण लॉटरी में अनुसूचित जाति के लिए हुआ, लेकिन शासकीय रिकॉर्ड में इस गांव में अनुसूचित जाति का कोई भी शख्स मौजूद ही नहीं, इसलिए यहां का आरक्षण अनुसूचित जाति से बदलकर अनारक्षित पिछड़ा वर्ग महिला कर दिया गया। जब इसकी जानकारी अनुसूचित जाति के पांच परिवारों को हुई तो एक बार फिर से लोग शासकीय कार्यालय में फरियाद लेके पहुंचे, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत तथा ग्राम स्वराज में भी आवेदन इतना पूरा इतना इकट्ठा करके रखा हुआ, मेरा आवास के लिए कोई, जो कि मेरा घर जर्जर पड़ा हुआ है, अभी तक टूट कोई भी स्थिति में टूट सकता है और घास फूस छाया हुआ है। मैं कई आवेदन दे चुका हूं, लेकिन मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि जब भी जनगणना हुई और जिस तरह से आपने दस्तावेज प्रस्तुत किए कि उनका उस समय नाम लिया गया था, तो इस विषय पर जांच की जाएगी और जो भी संबंधित होंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। रेखराज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रेखराज, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से जनगणना हो गई कि जो जिनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से वांछित बताए जाते हैं? जी, प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है सामने आया है, जो है जयपाल सतनामी पर करके है, जो विगत 9 वर्षों से जो है सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए दर दर की ठोकर खाते हुए 9 सालों तक सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। एक बार मैं आपको पूरा मामला जो है बता देना चाहता हूँ। मामला जो है महासमुंद जिले से 6 किलोमीटर दूर है, जिला मुख्यालय से गाँव लाफिंग कलर करके गाँव है, जहाँ 1190 की आबादी है, जिसमें 243 परिवार जो है पिछड़ा वर्ग होते हैं और गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि के साथ साथ मजदूरी है। इस गांव में जो है अनुसूचित जाति के 5 परिवार निवास करते हैं, जिसमें से एक परिवार जो है पीड़ित जयपाल सतनामी है, जो 9 सालों से शासकीय योजनाओं का लाभ पाने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर के शासकीय कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। और यही नहीं, 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची में ग्राम पंचायत स्तर पर जयपाल का शासकीय योजना में शामिल है, जो है 2011 की जनगणना सूची में शामिल है, फिर भी जो है शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, न ही उसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, न ही राज्य सरकार की संचार क्रांति। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद उसके घर पर जाकर के देखा हूँ, उसका घर जो है इतना जर्जर हालत क्यों में नहीं मिल रहा, लाभ क्यों नहीं मिल रहा, जिम्मेदार क्या कह रहे हैं, कब तक योजनाओं का लाभ मिलेगा? जी, जिम्मेदार अधिकारी जो है, अधिकारियों का कहना है कि आप मीडिया के माध्यम से ये बातें जो है सामने आया है, हमें इसका ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला जो है 2011 से लेकर के अब तक का है, उस पीरियड में जो है 9 से 10 साल तक जो है पीड़ित जो है चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, और अब जब मामला जो है अधिकारियों के समक्ष आया तो अधिकारियों का कहना है कि उचित कार्यवाही कर इसकी जांच कराई जाएगी और संबंधित और आश्वासन दे दिया होगा कि जांच कराने के बाद इनको लाभ दिया जाएगा। यही विडंबना है और यही रोना है इस देश का और इस प्रदेश का कि यहाँ पे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सरकार की तरफ से, सरकारी अधिकारियों की तरफ से मिलेगा तो सिर्फ आश्वासन। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।